हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए। ये फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 4mn बिलोंग्स टू n, डिफाइन fmn x बराबर ये फंक्शन है x टू पावर n sin 1 / x टू पावर n इफ x नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ x इक्वल टू जीरो। देन एट x बराबर जीरो fmn इज अ डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर ऑफ mn विद m ग्रेटर देन 1, सो m ग्रेटर देन n डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर ऑफ mn विद m लेस देन 1, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर mn विद m ग्रेटर देन 1, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पेयर mn विद m लेस देन n। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। बेसिकली हमें इसमें डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव चेक करने वो इक्वल आते हैं या नहीं। तो और इक्वल आने के लिए इक्वल आते हैं तो किस कंडीशन में वो इक्वल होंगे, तो यहां पे हम निकाल रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो फॉर्मूला होता है एफ, अगर जीरो पे हम निकाल रहे हैं तो बेसिकली किसी पॉइंट सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच होता, बट अब जब जीरो पे निकाल रहे हैं तो सी की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा एफ जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया। अब एफ एच पे देखें तो ये हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है एच टू द पावर एम साइन वन अपॉन एच टू द पावर एन अपॉन एच, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो है ही, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टू द पावर, अगर इसको देखें एम माइनस वन लिख सकते हैं, इससे एक पावर कट जाएगी एम माइनस वन साइन वन अपॉन एच टू द पावर एन, ये हो गए हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें तो राइट हैंड डेरिवेटिव फ्रेंड्स यहां से हम निकाल सकते हैं आर एफ डैश जीरो बराबर लिमिट, ये राइट हैंड डेरिवेटिव था, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास यहां से एल एच एच टू जीरो एम, यहां पे सी माइनस एच होता है, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है उसमें सी माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो यहां पे ओनली माइनस एच आ जाएगा क्योंकि हम जीरो पे निकाल रहे हैं तो सी की जगह जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन एच, तो ये हो गया हमारे पास माइनस एच टू द पावर एम साइन वन अपॉन माइनस एच टू द पावर एन अपॉन, और ये हो गया माइनस एच, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो है ही, ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर एम डॉट एच टू द पावर एम, इसको लिख सकते हैं, और साइन इसमें से अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस साइन को साइन माइनस वन टू द पावर एन थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर थीटा साइन थीटा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्योंकि जो साइन जो है वो साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा को फॉलो करता है, और अगर माइनस ये पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको यहां से लिख सकते हैं हम माइनस वन टू द पावर एन, यहां पे बाहर आ जाएगा माइनस वन टू द पावर एन, क्योंकि ये नीचे है उसको ऊपर ले जा सकते हैं फ्रेंड्स, वैसे ऊपर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, क्योंकि माइनस वन जो वैल्यू नीचे रहेगी वही वैल्यू ऊपर जाएगी, तो इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको माइनस वन टू द पावर माइनस एन लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस वन टू द पावर माइनस एन इक्वल टू ही माइनस वन टू द पावर एन होता है, ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया साइन वन अपॉन एच टू द पावर एन रह गया, और ये हो गया हमारे पास माइनस एच, तो माइनस वन और इसको एच लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस वन टू द पावर माइनस वन टू टोटल पावर देखो तो एम प्लस एन माइनस वन और एच टू द पावर एम साइन वन अपॉन एच टू द पावर एम अपॉन साइन एच, ये हो गया हमारे पास।
अब बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल पुट करने हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट एच एस टू जीरो, जो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव था वो था हमारे पास एच टू दी पावर एम माइनस वन साइन वन अपॉन एच टू दी पावर एन, ये था इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन, इसको बाहर ला सकते हैं माइनस वन और एम प्लस एन माइनस वन, ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स यहां पे जो हमने प्लस एन लिखा था इसको माइनस एन लिख सकते, तो यहां से माइनस एन लेके चलेंगे हम, क्योंकि अगर प्लस एन लेके चलेंगे तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खाएगा, तो यहां से हमारे पास माइनस एन लेके चले हम यहां से, और ये हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो, और ये हो गया हमारे पास एस टू द पावर एम, और ये साइन वन अपॉन एस टू द पावर एन अपॉन साइन एच, ये था सॉरी साइन, ये नीचे कुछ नहीं था एच था ओनली, तो एच को हम यहाँ पे एम माइनस वन में ले गए थे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था नीचे, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर दोनों को देखें हम, तो यहां से हमारे पास क्या मिल रहा है, ये अगर हम ये देखें वन इक्वल टू सिर्फ, क्यों ये जो टर्म है एच टू पावर एम माइनस वन, यहाँ पे भी एम माइनस वन था, एच टू पावर एम माइनस साइन एच टू पावर एन, ये दोनों टर्म इक्वल है, तो हमारे पास ये टर्म दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ये पावर और इधर वन, वन इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एम माइनस एन माइनस वन, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये कब इक्वल होगा, तो बेसिकली ये अगर हमारे पास जीरो हो तो ये वन होगा, तो जीरो वैसे पॉजिटिव के केस में भी ये टर्म प्रूफ है, पर अगर हम जीरो लें इसको तो ये हो जाएगा एम माइनस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो गया हमारे पास एम बराबर एम बराबर एन प्लस वन, या हम कहें एम माइनस एन इक्वल टू वन, तो यहां से हमारे पास जो है एम जो है एम माइनस एन जो है वो पॉजिटिव आया यहां से, तो यहां से हम कह सकते हैं एम ग्रेटर देन एन, एम ग्रेटर देन एन की कंडीशन में ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।